नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल किसान विकास केंद्र में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे मिर्च की खेती के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका उचित समय क्या है। तो दोस्तों, फरवरी माह से प्रारंभ होती है मिर्च की खेती, फरवरी में चलती है, मार्च में चलती है इसकी बुआई। इसकी नर्सरी जो तैयार करते हैं फरवरी में तैयार करते हैं, या फिर जनवरी में भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने करीब ये ले जाती है पौध तैयार होने में। तो इसकी पौध तैयार करेंगे हम, सबसे पहले पौध दो विधि से करेंगे, ये तो सीड ट्रे से कर सकते हैं या फिर क्यारी बनाकर, जो आप उचित समझें आप कर सकते हैं उसमें सीड तैयार। उसके बाद हम बात करेंगे किस्मों के बारे में कि कौन कौन सी किस्में हैं इसकी। तो BNR की 145 आती है, गोल्डन की आती है AK47, BNR की एक और आती है सुनिधि F1, और मैको की आती है Teja 4। ये कुछ चयनित वेराइटी हैं जो कम लोग इसमें कमाते हैं और उपज ज़्यादा है इनकी। अब बात कर लेते हैं एक एकड़ में सीड की मात्रा कितनी लगेगी। 80 से 90 ग्राम सीड लगेगा आपको एक एकड़ में। लगभग सीड से जो पौधे की जो संख्या रहेगी वो 8000 पौधे रहेंगे एक एकड़ में। 8000 पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आगे बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें वेसल डोज रहेगा। जो खेत की तैयारी में सबसे पहले 2 ट्राली गोबर की खाद छिड़कवा दें, उसके बाद कल्टीवेटर चलवाएँ और रोटोवेटर चलवा के मिट्टी को भुरभुरी बनवाएँ। उसके बाद मेड़ा बनाएँ। मेड़ा में हम इसको SSP 50 kg छिड़कवाएंगे मेड़ाई के ऊपर, और उसके बाद हम उस पर पौधे की जो नर्सरी है जो उसकी पौध लगाएंगे। उसकी पौध लगाने के लिए हम पौध से पौध की जो दूरी रहेगी वो करीब 1 फिट रहेगी, और लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगी वो करीब रहेगी 1.5 फिट से 2 फिट। लाइन से लाइन की दूरी 2 फिट रखें आप, और पौध से पौध की दूरी 1 फिट रखें। इससे इसकी गहराई जो रहेगी वो करीब गहराई बीच की गहराई पौध की 1 इंच रहेगी। तो 1 इंच तक इसकी 1 से 2 इंच आप इसको लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसमें लगने वाले कुकरा रोग के बारे में, जिसमें पत्ते मुड़ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है इसमें, सबसे ज़्यादा रोग आता है। तो उसमें हम जो स्प्रे करेंगे उसमें करेंगे हम स्प्रे धानुका कंपनी का आता है फेजर को लेंगे 250 ग्राम। उसमें 1 पाउच निकलता है, यानी 12 पाउच निकलते हैं उसमें, 10 पाउच या 12 पाउच निकलते हैं 250 ग्राम में। तो उसको लेंगे आप 250 ग्राम, और बायर कंपनी का आता है एडमायर, जो छोटे छोटे पैक आते हैं, 1 पंप का 1 पाउच आता है, तो 10 पाउच उसको लेंगे। और जंप आता है बायर कंपनी का, जंप आता है, तो 10 पाउच उसके लेंगे। यानी तीनों का 10-10 पाउच लेके हमें एक पंप में एक पाउच डालना है, और 10 पंप का स्प्रे करना है। दोस्तों, ये थी कुकरा के लिए जानकारी। अब बात कर लेते हैं खाद की डोज के बारे में। तो 25 से 30 दिन में हम इसका स्प्रे करेंगे ह्यूमिक एसिड 1 kg, 19-19 2 kg को डायरेक्ट जड़ों में देना है और सिंचाई कर देना है। इसके बाद 60 से 65 दिन पे हम दूसरा छिड़काव करेंगे सागरी का 8 kg, यूरिया 20 kg, सल्फर 2 kg, जड़ों के पास देकर पानी चलाना है। तीसरा छिड़काव करेंगे हम 85 से 90 दिन में कैल्शियम 10 kg, बोरॉन 2 kg, दोनों को पौधे के पास दे के पानी चलाना है। उसके बाद चौथा छिड़काव करेंगे 120 दिन पर, करीब 0050 2 kg मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, जड़ों के पास देकर पानी चलाना है। किसान भाइयों, 55 से 60 दिन में पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, और एक एकड़ में करीब 250 से 300 क्विंटल तक उपज देती है ये फसलें। तो 250 से 300 क्विंटल तक हमें उपज मिलने वाली है एक एकड़ में, अगर इस तरीके से खेती करेंगे आप तो। और एक एकड़ में कुल लागत 50 से 60 हज़ार रुपये आती है, और आमदनी की बात करें तो लागत काट के जो मुनाफा है वो करीब 2.5 से 3 लाख रुपये तक का प्रॉफिट एक एकड़ से जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी मिर्च की खेती के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।